और इसके हमने जैसे हिस्टोरिकली देखा है कि जब ये फेजेस होते हैं हाइपर ग्रोथ के हुँ, हुँ, और पैसा जो है आता है मार्केट में तो मार्केट ग्रोथ फास्टर देन नॉमिनल जीडीपी और अगर जैसे हमने फैक्टर्स बताए चार फैक्टर्स थे जो डेमोग्राफिक्स था पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी जीडीपी ग्रोथ होती है एंड फ्रेश फ्लोज हैिस्टिक्स जो हमने यूएस में देखा चाइना में देखा या जापान में देखा तो पचपन गुना अभी भी होने का स्कोप है बेस्ट सिनेरियो में और ये चूंकि हम चौबीस हजार से गिन रहे हैं इसी बुलरन की शुरुआत जो साढ़े सात हजार से हुई थी दो हजार बीस से अगर गिने तो शायद हम भी उसी तरह के रिटर्न देख लेंगे जो अमेरिका में हमें कभी दिखे एक सौ इक्यावन गुना हो गया मार्केट कई चाइना में छह सौ चौतीस पैंतीस गुना हो गया जापान में आपका चार हजार पाँच सौ गुना हो गया मार्केट तो लेकिन वो बुलंद की स्टार्टिंग से ये तेईस साल की हम बात कर रहे हैं आप पिछले तेईस साल भी देखिए हाँ. तो आपको भी बहुत अच्छे नंबर दिखेंगे करेक्ट वो क्या है हम सोचते नहीं है, है? हम नहीं है। हाँ. इसमें तो, किसी तो, की ताकत नहीं है कि अभी साल क्या होगा जेन्यूली नो बडी नोस करेक्ट बट दिंग थिंग दिस इज सिंपल मैथमेटिक्स और हमने देखा है दुनिया में देखा है हिंदुस्तान में देखा है तो आगे क्यों नहीं हो सकता Absolutely. हम हर समय क्यों डरे रहते हैं हम हम समय क्यों बेरिश रहते हैं हिंदुस्तान के बारे में लेट्स hmm. तो कुल मिला के ये हमें पैसा जो लगाना है वो हमारी अगली जनरेशन के लिए लगाना है इट्स एन अपॉर्चुनिटी तभी हम अपने अगली जनरेशन के लिए अमृत छोड़कर जाएंगे कि भाई बिल्कुल एंजॉय करो लाइफ एक डेमोग्राफिक right? डिविडेंड आने के लिए सेंचुरीज लग जाती है एंड वी आर फॉर्चुनेटली इन दैट स्पेस वी बेटर रियलाइज इट एंड मोर इम्पोर्टेंट इसकी जो स्ट्रेटेजी हम इन्वेस्ट करें हुँ. वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे हमारी कोशिश यही है ये प्रिडिक्शन हो ना हो ऊपर नीचे हो उसमें बड़ी बात नहीं है हुँ. वो तो ब, 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 बदलती रहेगी स्ट्रेटेजी क्या होगी स्ट्रेटेजी बिल्कुल साफ है कि अगले 25 साल के लिए आपको इन्वेस्टर है खुद के लिए भी अपनी अगली जनरेशन के लिए भी आप भी अपना अंदाजा लग सकते हैं कि 25 साल में निफ्टी 6 लाख हो जाएगा आठ लाख अठासी हज़ार हो जाएगा या सवा तेरह लाख हो जाएगा या आपको लगता है ना अतुल सर कम बुलिश है आप अपना ज्यादा बड़ा टारगेट भी रख सकते हैं। तकलीफ कब होगी पता है सैतालीस <laughs> 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 <में> करेंगे <laughs> 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 यही ये, ये, ये बात है कि आप आज जब फ्यूचर प्रेडिक्ट करते तो लोगों को विश्वास नहीं होता लेकिन अगर आप यही चीज आप दस साल पांच साल पंद्रह साल पच्चीस साल पहले सोचते तब भी आपको लोग यही कह रहे होते ऐसा तो होना संभव ही नहीं है लेकिन यही शेयर बाजार है जो असंभव को संभव करके दिखाने और आपकी बड़ी वेल्थ कर बनाने का कारनामा कर सकता है और इस इस तरह की बेहतरीन रिसर्च हर महीने आपके लिए लेकर आते हैं तो सर सर बहुत बहुत धन्यवाद मज़ा आ गया ये रिसर्च आई ओपनर थी और आई एम श्योर हिंदुस्तान के कई निवेशकों को प्रेरणा देगी और जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं उन्हें बने रहने डटे रहने की और इन्वेस्टेड रहने की पूरी कॉन्फिडेंस भी रहेगी खासकर जब मार्केट नीचे हो कब नीचे हो हाँ <laughs> जब अभी नहीं जब नीचे हो तब ये एपिसोड निकाल के वापस देख लेना पढ़ लेना सुन लेना तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा बहुत बहुत धन्यवाद सर थैंक यू सो था, मच अ, अतुल सर का बहुत बहुत शुक्रिया